आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। आज तक के इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने अखिलेश और मायावती के गठबंधन की मदद करने की बात कही थी, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हर पार्टी अपना मजबूत कैंडिडेट उतारती है, कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश ने राहुल गांधी पर भी हमला किया। राहुल ने बाराबंकी की रैली में कहा था कि बीजेपी गठबंधन को कंट्रोल कर रही है, जिस पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कोई गठबंधन को कंट्रोल नहीं कर रहा। वाराणसी से जो आपके उम्मीदवार है उनका नॉमिनेशन जो है बर्खास्त कर दिया गया, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझसे बहुत सारे बनारस के जो खासकर डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, और खासकर बनारस से जिनका रिश्ता है काशी से, और काशी के लोग मुझसे आए थे, मिले थे, और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इस जवान को प्रत्याशी बनाती है तो बहुत अच्छा चुनाव बनारस का हो जाएगा। उसी समय मैंने फैसला लिया कि काशी से समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा और ये चुनाव लड़ेंगे। उस समय मुझे कागज़ की चीज़ें नहीं पता थी कि आखिरकार कागज़ में क्या चीज़ें हैं, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है कि उनका नॉमिनेशन जो उन्होंने किया था वो निरस्त कर दिया गया है। कारण उसकी है, बहस है उसमें, क्योंकि अब वो ये बात कह रहे हैं कि जिन कारणों से उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको केवल इस बात के लिए बर्खास्त किया गया है कि उन्होंने खाने की शिकायत की थी। ये इनडिसिप्लिन इतना बड़ा नहीं है कि ये उसको निरस्त करा दे। मैं समझता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट अगर जा रहे हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय देगा। डीएम ने कहा है कि उसमें टेक्निकलिटी है, शाम तक उन्होंने सबमिट करना था कि जब उनको निकाल दिया गया था तो उस वक्त उनको किसी, ही हैज नॉट ब्रोकन एनी रूल्स, और इस वजह से, लेकिन वो सबमिट नहीं किया उन्होंने, तो टेक्निकल रीजन से अगर ऑब्जेक्शन जब करना था जिलाधिकारी महोदय को, तो जिस समय उसने फॉर्म भरा था, पहला फॉर्म भरा था, शायद ऑब्जेक्शन अगर आ जाता तो ऑब्जेक्शन के लिए वो अपना दूसरा फॉर्म भर करके उसको ठीक कर सकते थे। लेकिन एक जवान जो लड़ना चाहता था वहाँ चुनाव, और इसलिए लड़ना चाहता था कि इधर भारतीय जनता पार्टी बहुत राष्ट्रवाद की बात कर रही है, वो देशभक्ति की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैंने उनके मंच देखे हैं, सभाएं देखी हैं, बिना भारत माता की जय के उनके भाषण नहीं पूरे होते और भाषण खत्म नहीं होते। तो ये गलत है? नहीं, ये अच्छा है। लेकिन अगर देश का जवान कोई चुनाव लड़ना चाहता हो, कुछ सवाल सरकार से जानना चाहता हो, वो ये कहता हो कि जो उसको जूते मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसको जो मोजे इश्यू हो रहे हैं सरकार से वो ठीक नहीं है, उसकी जो वर्दी है और अच्छी होनी चाहिए, उसके पास जो वेपन है और बेहतर होने चाहिए। देश को बुलेट ट्रेन की जरूरत हो सकती है, आने वाले समय में हो, लेकिन आज हमारे जवान की जान न जाए उसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। जब आप डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, डिफेंस में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे तो जानकारी ये मिली है कि अगर दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। या लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।